तो शरीर छूटने से पहले कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं, ध्यान देंगे, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उन लक्षणों पर ध्यान होना चाहिए हमारा। वो लक्षण क्या है? कुछ भीतर की तरफ, कुछ बाहर की तरफ, मतलब कुछ शरीर के भीतर और कुछ शरीर के बाहर, दोनों ही तरफ वो लक्षण हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना मेरे प्यारे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो धीरे बोल रहे हो, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि बुढ़ापे जाने से पहले आवाज नहीं निकलती है, हाँ ये भी ध्यान रखना। हाँ जब भी कहें तो खूब चकाचक बोलो। अचानक से शरीर का पीला पड़ जाना, अब लोग जा जाके थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, शीशे के आगे खड़े होके अचानक से अगर शरीर हमारा पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ कुछ लाल दिखने लगे तो ये भी मृत्यु समीप है, इसका लक्षण है। मुंह कान नेत्र और जिभ्या का स्तंभन होना, मतलब अवरुद्ध होना, नेत्रों से स्पष्ट दिखाई न देना, कानों से न सुनना और जिभ्या ऊपर न उठना, उसका न बोलना, यह भी उसका एक चिन्ह है। सूर्य चंद्र एवं प्रकाश का धुंधला दिखना, सूर्य का भी प्रकाश तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, प्रकाश तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, तो यह भी एक चिन्ह है कि मृत्यु समीप है। शरीर के किसी भी वाम अंग, पुरुष का वाम, स्त्री का दायां, बायां और दायां, पुरुष का अंग लगातार अगर वाम अंग फड़के लगातार, तो समझ लेना कि ऊपर से निमंत्रण आ गया है। देवियों का दायां अंग अगर फड़के तो उनको समझना चाहिए कि उनका भी समय नजदीक आ गया है। निरंतर फड़कते रहें तब, एक दो बार नहीं कि हफ्ते में एक आध बार फड़क गया तो बोले हम मरेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। वो तो शुभ और अशुभ का भी लक्षण होता है कि पुरुषों का अगर दायां नेत्र फड़के, अंग फड़के दायां, तो कहते शुभ है, बायां फड़के तो बोले कोई घटना घट सकती है, अशुभ है, लेकिन मृत्यु होगी ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन लगातार फड़के कॉन्टिन्यूस तो समझना चाहिए। देवियों का बायां अगर दायां फट गए तो अशुभ मानना चाहिए। शरीर के सभी अंगों में ज्यादा अंगड़ाई का आना और तालू का सूख जाना, इसे भी मृत्यु का सूचक समझना चाहिए। वात पित्त और कफ आदि के कारण नाक का लगातार बहना, लगातार नाक का बहना, इसको भी मृत्यु का सूचक मानना चाहिए। मुख और कंठ का सूखना, जीव का फूलना और दांतों में मवाद का आ जाना, ये भी मृत्यु का सूचक है। जल तेल और घी दर्पण में अपनी परछाई का न दिखना, ये भी मृत्यु का सूचक है। भाई तेल में तो हमारी परछाई दिखती है, जल में दिखती है, दर्पण में दिखती है, पर उसमें न दिखे, अथवा परछाई भी बिना सर के दिखे, तो भी मृत्यु का सूचक है। जैसे परछाई में सर नहीं दिख रहा है और परछाई पूरी दिख रही है, तो समझना चाहिए कि अब तैयारी करो। हाँ एक और, जो जिनको जुकाम हो गया उनके लिए नहीं है ये बात, लेकिन जिनको जुकाम न हो, सर्दी न हो, नाक न बह रही हो, इसके बावजूद भी दीपक बुझने की गंध ना आए। आपने देखा होगा जब घी का दीपक आप जलाते हैं, सरसों का जलाते हैं, तो जब बुझता है तो एक गंध आती है, आती है कि नहीं, स्मेल आती है। दीपक बुझने के बाद भी दीपक की गंध ना आए तो ये भी मृत्यु का सूचक है, ये निश्चित समझना चाहिए। चंद्रमंडल तथा सूर्यमंडल का प्रभावहीन
अथवा लाल रंग का दिखाई देना भी मृत्यु का सूचक है। तारा मंडल का दिखाई न देना भी मृत्यु का सूचक है। रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उत्कापात का दृश्य दिखाई न दे दृश्य दिखाई देना भी मृत्यु सूचक है। गीद और कौओं का, कौवे और गिद्ध अकस्मात तुम्हारे पास अचानक से मंडराने लगे, बेवजह कौवे तुम्हारे पास आने लग जाए, बेवजह गीद तुम्हारे पास, गीद समझ गए हैं, चील बोलते ना उन्हें हैं, जो भी बोलते इसमें गीद लिखा है, गधा मत समझ लेना, गीद अलग है, जो न समझे वो गधा, जो समझ गया वो गीद। तो गीद और कौवे का बेवजह पास में मंडराना, अधिक संख्या में आना या बार बार आना, यह भी मृत्यु का सूचक है। कौवे का सर पे बैठ जाना, ध्यान देंगे, कौवे का, गीद का और कोए का, कबूतर का सिर पर आकर मंडराना अथवा सिर पे बैठ जाना, ये तो थोड़ा कम क्लोजली डेथ का वारंट है एक तरीके से, ये समझना चाहिए। संपूर्ण दिशाओं और धरती को घूमते हुए देखना, ये मृत्यु का सूचक है। नीली मक्खियों के अचानक से गिर जाना, जैसे कई लोग देखते ना, मक्खियां ब्लैक होती हैं और थोड़ी नीली सी भी होती है, अगर नीली मक्खी अचानक से आपके घर में अचानक बढ़ जाए और आपको चारों तरफ से घेरने लगे, तो ये भी मृत्यु का सूचक माना गया है। और एक बात निश्चित समझ लीजिए इसमें, इस बात को तो मोस्टली बहुत लोग करते हैं, दोपहर के समय, मध्यान्ह के समय अपना मन करे घूमने का, ये भी मृत्यु का सूचक है। तो दोपहर के समय घूमने का मन करे तो ये भी मृत्यु का सूचक। और इसीलिए आप देखते होंगे युवा बच्चे कई बार निकल भी जाते हैं तो पता चलता है एक्सीडेंट हो गया, लौट के नहीं आया। अधिकांश मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम घर से निकलना चाहिए, यात्रा करनी, घूमने का मन अलग बात है, काम पे जाना अलग बात है, वो आपका काम है, वहां जा रहे हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मन तुम्हारा अचानक से दोपहर में कर रहा है कि हमें घूमने जाना है, तो फिर उसे ऐसा मानना चाहिए, सूचक मानना चाहिए। इन आंतरिक एवं बाहरी और भीतरी लक्षणों में से किसी भी लक्षण के प्रकट होने पर व्यक्ति को 1 से 6 मास के भीतर निश्चित ही इस देह का त्याग करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा।